एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं, जहां बिहार की तमाम जो जनता है वो नीतीश कुमार से मिलने आ रहे हैं और अपने फरियाद उनको सुना रहे हैं। आपको बता दूं कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में भी आज से संयोग कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया गया है और आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी संयोग कार्यक्रम में थे और तमाम जो वहाँ के जो फरियादी थे वो भी मिलने आए थे और उनकी समस्या को सुन रहे थे और उनकी समस्या का समाधान का आश्वासन भी दिए। हालांकि जब कल की बात कर लूँ तो कल एक बयान आया था उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, उस पर आज सम्राट चौधरी ने पूर्ण विराम लगा दिया। आपको बता दूँ कि बीते दिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बता दिया था और ये भी कहा था कि 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लगातार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे बयान देते रहे हैं और दे रहे हैं और ऐसे में आज उन्होंने फिर से एक बयान दिया है। वो बयान है कि अभी 10 सालों तक पीएम के लिए किसी की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी इस पूरे मामले को लेकर। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसमें कहाँ इश्यूज है, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जाति जनगणना को लेकर एक स्वाभाविक है। उन्होंने आपको कि जेडीयू प्रेशर बना रही है? देखिए, उनकी जेडीयू या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए उनका जो वक्तव्य है प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं, इन चीजों पर विचार किया जाएगा। औरंगाबाद में आपने वक्तव्य दिया कि चार सहयोगी हैं एनडीए में, इसलिए सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, कौन सी दिक्कतें हैं? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि चार पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के चार विचारधारा, तो सब अपने अपने विचारधारा को लाना चाहते हैं, स्वाभाविक है सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने बैठे हैं, यही मेरा दायित्व है। इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर वन कैसे हो, अभी 74 सीट हमें मिली है, इससे अधिक सीटें मिले तो हमको क्या दिक्कत है, ये जनता पे निर्भर है, हम संगठन को और मजबूत करेंगे। दिक्कतें हो रही है, 5 साल चलेगी सरकार? क्यों नहीं चलेगी, आप समझिए कि 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी को एनडीए ने नेता माना है, 2000 में मुख्यमंत्री माना है, 2005 में मुख्यमंत्री माना, 10 में मुख्यमंत्री माना, 20 में मुख्यमंत्री चुनाव के पहले हम लोगों ने माना, इसलिए ये कहाँ मानने का, नहीं मानने का सवाल उठता है। हम पूरी तरह एनडीए के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चला रहे हैं और आगे के दिनों में भी। तो आपने सुना, सीधे तौर पर सम्राट चौधरी का कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो बोल रहे हैं वो 10 सालों तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि आने वाले 10 सालों तक देश में पीएम के लिए वैकेंसी नहीं है, पीएम वैकेंसी पूरी तरह से बंद हो चुका है और सिर्फ देश में बीजेपी जिस तरीके से सरकार में है और बीजेपी जिस तरीके से जनता के लिए काम कर रही है, आने वाले 10 सालों तक बीजेपी की ही सरकार केंद्र में भी रहेगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।